गारमेंट शो ऑफ इंडिया आज जो आयोजित किया गया है ये इसका 5वां एडिशन है। आज से पहले दिल्ली प्रगति मैदान में होता था, पर हम नोएडा के उद्यमियों ने इनसे ऑर्गेनाइजर से बात करी क्योंकि नोएडा एक सिटी ऑफ अपैरल है। ODOP के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा को रेडीमेड गारमेंट्स के लिए चिन्हित किया गया है, तो यहाँ के जो उद्यमी हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स को बनाते हैं उनको क्यों ना प्रदेश के अंदर ही मौका मिले और स्कीम जो सरकार की है उसकी सब्सिडी मिलकर एग्जीबिट कर सके। तो उस सोच के साथ हमने इनसे बात करी और ये तैयार हुई कि इस शो को अब की बार प्रगति मैदान की जगह दिल्ली से नोएडा लाया जाए। और आज ये अच्छी बात है कि लगभग 100 स्टॉल लगी हुई हैं, लगभग 500,000 बायर्स आ रहे हैं जो इंडिया के मेजर डोमेस्टिक रिटेल चेन्स हैं, चाहे शॉपर स्टॉप हुआ, V2 हुआ, V-Mart हुआ, विशाल मेगा मार्ट हुआ, लाइफ स्टाइल हुआ, रिलायंस हुआ, सभी लोग आ रहे हैं। और इससे यहाँ के एग्जीबिटर्स को और यहाँ के उद्यमियों को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि जो अब तक केवल विदेशी मार्केट के ऊपर एक्सपोर्ट पे निर्भर थे, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मार्केट को क्यों ना टैप करें, उनको उसको टैप करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। थैंक यू। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही कि कोविड का इराक समाप्त होने को जा रहा है, घबराएं नहीं, समय अब अच्छा आएगा। जब कठिन टाइम निकाल लिया तो अब अच्छा टाइम है और देश की इकोनॉमी अब बेटर हो रही है और आगे वाला समय अच्छा है। काम करें, मन लगाएं और आगे बढ़ें। बहुत अच्छा है गारमेंट एक्सपो ये, और आफ्टर पेंडेमिक के बाद ये एक तो अच्छी पहल है कि लोग जुड़ें इंडस्ट्री के ऊपर, लोग एक दूसरे से मिले, क्योंकि अभी तक लोग जो भी काम कर रहे थे या तो फोटो के जरिए कर रहे थे। तो अभी आशा करते हैं कि आगे सामने सीज़न है, काफ़ी बड़ा सीज़न समर का, फिर लगन आ रहा है, फिर ईद का बाजार है, तो मतलब आगे 5 महीने बहुत अच्छा बिजनेस का टाइम है, तो अच्छा रहेगा ये। और काफ़ी अच्छा प्रयास है कि इसके माध्यम से लोग फिर से एक बार जुड़ेंगे आपस में। हाय, मेरा नाम दीप्ति मरवा है, मैं इस एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइजर हूँ। हम ये एग्जीबिशन पिछले 5 साल से कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन का एक ही सबसे बड़ा फोकस है कि जितने भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि लेडीज़ वेयर, मेन्स वेयर, किड्स वेयर, एक्टिव वेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर आए और हम उनको कनेक्ट करते हैं जो शॉपर स्टॉप जैसे रिटेलिंग चेन है या ई कॉमर्स कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गारमेंट होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया को आए और यहाँ पे आपस में बिजनेस करते हैं। क्या है कि आज के टाइम में हर कोई अच्छे से अच्छा गारमेंट पहनना चाहता है और गारमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हम इस एग्जीबिशन में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स को लाते हैं वो बहुत ध्यान से लेकर आते हैं कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ है, उनके प्राइसेस हैं, उनकी जो क्वालिटी है, वो हमारे जो बायर्स हैं उनके साथ मैच कर सके। इसलिए हमारे एग्जीबिशन इतने सालों से सक्सेसफुल है। करीबन यहाँ पे 100 के करीबन स्टॉल्स हैं, 10,000 करीबन बायर्स यहाँ पे 3 दिन में आने वाले हैं। तो मैं सबसे कहूँगी कि इस एग्जीबिशन में आए और लेटेस्ट रेंज और फैशन में। पार्टी वेयर ड्रेसेस है वुमेंस की, और आज पहले तो एक्सपोर्ट बहुत होती थी, आजकल इंडिया में अच्छी डिमांड है इसकी फैशन गारमेंट। कायना गारमेंट आजकल आप लोगों ने देखा हो मार्केट में बहुत डिमांड है इसकी, एंड काफ़ी फैशनेबल आइटम है, हर तरह के लोग एज ग्रुप पहनना चाहते हैं इसको। श्रग्स एक नई कैटेगरी मार्केट में हो जाएगी, आज काफ़ी ज़्यादा उसको लोग पसंद कर रहे हैं। बेसिक टी शर्ट्स भी हर तरह के लोगों के लिए घर में पहनने के लिए, आजकल नॉर्मल वर्क फ्रॉम होम कल्चर बहुत चल गया है, आजकल लोग कंफर्टेबल कपड़े चाहिए घर में काम करने के लिए। ये डेनिम पे हमारा नया प्रोडक्ट कैटेगरी स्टार्ट हुई है, मेंस वुमेंस बच्चों सबके लिए। Hi, this is Sujit Bansal from Celestial Rich & Fabs Private Limited. We are a manufacturing firm based in Noida, and we manufacture ready-made garments of all kinds, ranging from kids to women's and men's. We have product range ranging from dresses, party dresses to basics, t-shirts, denims. And we are exhibiting our fair at this garment exhibition. It's a 5th edition and very good footfall has come. And we are hoping this will boost our state's and country's economy. And we will hope to be a part of it.